हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर हेड कैसे लगाते हैं, और मैं बहुत ही आसान से स्टेप्स आपको बताऊंगा। कोई भी लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं यूज करेंगे, सिंपल स्टेप्स में समझेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं लेटर हेड लगाने के लिए वाटर मार्क का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आप लोग वाटर मार्क नाम सुनकर के वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि वाटर मार्क से जनरली परसेप्शन ही बनती है कि जो इमेज होती है वो फेडेड होती है। एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज होगी, पूरा कलर वगैरह जैसा लेटर हेड का है वैसे का वैसा आएगा, ठीक है। मैं इस तरीके की टेक्निक आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए आपको लेटर हेड का टेम्पलेट चाहिए। तो टेम्पलेट हमने यहाँ डेस्कटॉप पर सेव कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है लेटर हेड हमारा, ठीक है। मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस लेटर हेड को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पर लगाएंगे। तो फिलहाल इसको यहाँ से करते हैं क्लोज, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं। पेज का साइज मैंने थोड़ा छोटा रखा है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, कैसे लेटर हेड पूरे पेज पर एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से सामने लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको चलना है ऊपर के रिबन में डिजाइन टैब में। ये रहा डिजाइन टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर हमको जाना है वाटर मार्क वाले ऑप्शन पे। ये रहा वाटर मार्क का ऑप्शन, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, और यहाँ से कस्टम वाटर मार्क का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ सेलेक्ट करना है पिक्चर वाटर मार्क। ये देखिए, ये रहा पिक्चर वाटर मार्क, हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से ये वॉश आउट हटा देना है, ठीक है। वॉश आउट हटाने के बाद जो हमारी इमेज होगी थोड़ी सी डार्क होगी, लेकिन एकदम क्रिस्टल क्लियर कलर कैसे आएगा वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहां से हमने वॉश आउट हटा दिया, उसके बाद हमको क्लिक करना है सेलेक्ट पिक्चर पे, और अपनी पिक्चर जो है हमने सेव कर रखी है डेस्कटॉप पे, उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आइए सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद यहां से फ्रॉम फाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, और इसके बगल में ब्राउज का ऑप्शन है, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक करिए, और अपनी पिक्चर जो है डेस्कटॉप पे जो हमने सेव कर रखी है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कोई भी पिक्चर कहीं से भी उठा सकते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर में जहां भी आपने सेव कर रखी हो। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी, इसलिए मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। और यहाँ पे देखिए, ये है लेटर हेड का जो सैंपल साइज है, सैंपल जो हमने यहाँ पे सेव कर रखा था वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए, ये यहाँ पर पीछे इमेज जो है हमारी सेलेक्ट हो चुकी है लेटर हेड की, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से ओके पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि लेटर हेड पीछे आ चुका है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत फेडेड है। अब कलर कैसे डार्क करना वो देख लेते हैं। हमको क्या करना है, ऊपर के साइड हेडर वाले सेक्शन में डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक जैसे ही आपने किया, तो आप देखेंगे जो लेटर हेड अभी बहुत लाइट दिख रहा था वो डार्क में आ गया है, लेकिन अभी ये पूरे पेज पर नहीं है, और अभी ये डार्क भी नहीं, क्योंकि आप बाहर क्लिक करेंगे तो वापस से ये फेड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, लेटर हेड पे क्लिक कर देना है। बीच पर हमने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए चारों तरफ से ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल एक्स से इसको कट कर लेना है, ठीक है। कट कर लिया, लेटर हेड हट चुका है। अब बाहर क्लिक कर दीजिए, तो हमने बाहर क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई लेटर हेड नहीं है। अब हमने कंट्रोल एक्स से कट किया था, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब बस आपको ये लेटर हेड पूरे पेज पर फिक्स कर लेना है, ठीक है। अपने हिसाब से जहाँ तक आप फिक्स करना चाहें वहाँ तक हम पूरे पेज फेस को फिक्स करके देख लेते हैं। ये हमने फिक्स कर दिया, और बाहर क्लिक करते ही लेटर हेड हमारा लग चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है। इंटर प्रेस करते हुए लाइए, और यहाँ पर आप अपना जो भी आपको मैटर है वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से लेटर हेड लग गया।